Okay, yeah, we are good to go. So for today's video, I want to talk to you about something, that I found very particular and थोड़ा सा पेट्रियटिज्म वाली बात भी आएगी, थोड़ा सा पेट्रियटिज्म नहीं भी आएगा, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ श्योर श्योर कि किस बारे में श्योर बात कर रहा हूँ। तो ये दिख रही है किया मोटर्स क्रॉस रोड हैदराबाद, ये इनका ऑफिशियल हैंडल है फॉर दिस थिंग। सो वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, कश्मीर डे 5th फरवरी, लोकेशन किया मोटर क्रॉस रोड, सो वट एवर हैदराबाद पाकिस्तान। देन देर वॉज अनदर थिंग, एक सेकेंड, वी स्टैंड यूनाइटेड। सो ये एक्चुअल इनका प्रो अकाउंट है जिसपे इन्होंने ये बात करी है, इन ऑल सीरियसनेस बात कर रहा हूँ। और एक सेकेंड, डोमिनोज ऑल्सो पुट आउट देयर ट्वीट। सो डोमिनोज का ऑफिशियल हैंडल, डोमिनोज इंडिया वाला है जो ये सॉरी बोल रहे हैं, जिसपे इन्होंने ना कुछ किया था कमेंट। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। डोमिनोज तो एक सेकेंड यार, कहाँ गया ये? तो सी गुजरात हाँ में तो इन्हें मेरे शट डाउन कर को दिया। ना मुझे मुझे डायरेक्ट ट्वीट दिखाना। आई वॉन्ट ये न्यूज के मैसेज मत दिखाना, दीज आर लाइक डम थिंग। इससे हाँ बहुत ज्यादा लाइक टोटली बायस्ड। सो मुझे डायरेक्ट ट्वीट दिखाओ, एग्जैक्ट ट्वीट क्या है। हाँ अरे मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पता है आई हुआ थिंक ये क्या है? ट्वीट इज अ पॉसिबिलिटी ट्वीट हट गया अब तक। हाँ वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है कि नाउ दे आर एक्चुअली अपोलोजाइजिंग पिज़्ज़ा हट डोमिनोज ऑल दिस फोक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारी तरफ से ऐसा ट्वीट आया। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जो है ना देर वॉज समथिंग कुछ मिल जाए इस चीज का, ताकि बात कर पाऊँ मैं। बट वही है जो मतलब ये है ना, तो जैसे ये है किया मोटर्स क्रॉस रोड, एक इसमें था ह्यूंडई का इट्स टाइम टू सेल माई कार, ये एक्चुअल इनका किया का है। एंड देन देर वॉज बाय ह्यूंडई, हाँ ह्यूंडई पाकिस्तान अच्छा ऑफिशियल। ये देख, लेट अस रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड चाइनीज सपोर्ट टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यही है मोर और लेस, दिस इज द थिंग जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू ऑल जो इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम लोग कौन हो, तुम लोग किस बेसिस पे जो है ना ये डिसाइड कर रहे हो कि तुम जो है ना पॉलिटिक्स में घुसोगे? तुम एक FMCG कंपनी हो या तुम एक कार मैन्युफैक्चरर हो? एंड यू हु आर यू टू थिंक कि जो है ना यू कैन मेडल इन द अफेयर्स ऑफ सम कंट्री? तुम्हारा क्या पर्पस क्या बनता है यहाँ पे, कैसे हुआ? एंड यू कैन नॉट प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, क्योंकि ये एक कंपनी ने नहीं करा, ये चार अलग अलग कंपनी ने करा, KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, किया, ह्यूंडई। इट्स सो लाइक फ्रॉम 5th ऑफ फेब। सो ये न्यूज़ में कब आया वैसे, मतलब कि व्हेन इट ये गॉट एस्केलेटेड। सो आई हर्ड अबाउट इट ऑन फ्राइडे, सो आज संडे है 13 फरवरी का, और आई केम टू नो। इलेवेंथ हाँ वैसे सो आफ्टर लाइक 6 डेज। और ये सारे के सारे अराउंड 5th फेब को ही आई थिंक होता। पता क्या है इसमें, जैसे कि व्हेन यू सी अ ब्रांड पोस्ट वन काइंड ऑफ कंटेंट एंड दे आर लाइक अ बिग ब्रांड, लेट्स से इंडिया में पेटीएम हो गया, डोमिनोज हो जाए, टिंडर हो जाए, यू सी दोज पीपल पोस्ट एनी गुड कंटेंट और लेट्स से एनी ट्रेंडिंग कंटेंट एंड इट गोज इनटू ट्रेंडिंग। अब ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो जाता है, सो ऑल द ब्रांड्स फॉलो देम। लाइक ये कंप्लीटली हर्ड मेंटालिटी आ जाती है, लाइक काइंड ऑफ सोशल प्रूफ के। हाँ दे आर लाइक ओ भाई सारे पाकिस्तानी इसको पोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सो दे स्टॉप थिंकिंग के लाइक हाँ भाई साहब व्हाट्स द ग्लोबल इम्पैक्ट और लेट्स से व्हाट्स द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दैट लाइक दैट कंटेंट। एंड दे आर लाइक चलो ट्रेंड हो गया तो ऑल द मार्केट इज लाइक चलो भाई साहब ट्रेंडिंग है ये, चलो लेट्स फॉलो दिस ट्रेंड, और ये हैशटैग यूज करते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी के किसी एक ब्रांड ने किया हो एंड देन अदर्स फॉलोड देम, बिकॉज लाइक किसी 95% ऑफ द फॉलोअर्स एंड 5% ऑफ द वन इनिशिएटर्स, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ हो। नहीं, लेकिन अगर उससे भी ना वहां पे भी बिफोर गोइंग इनटू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आई कहां से, शुरुआत ही कैसे हुई। तुम्हारा जो है लाइक इट्स नॉट लाइक कि 1%, या तो हम वी कैन मेक द आर्ग्यूमेंट दैट वन ब्रांड हैड हायर्ड एन एजेंसी जो वाज लेम लाइक अल्ट्रा पेट्रियोटिक इन नेचर, उन्होंने डिसाइड करा कि पाकिस्तान इज समथिंग, कि हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है एंड कश्मीर हमारा है, कश्मीर वाली थिंग। तो पहली बात, ये पॉलिटिक्स वाला चैनल नहीं है तो वो मत समझना, लेकिन एक एजेंसी जो है इनका मैनेज कर रही है और वहां से ये चीज जो है ना वायरलिटी आई। तुम इस चीज में घुस क्यों रहे हो? पहले तो तुम सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास क्या राइट है इस चीज में घुसने का, मेरे को वो समझ में नहीं 100% आता। सी वही कह रहा हूं कि उनको लेट्स से एक मार्केटर था
एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से ही इज लाइक टोटली इंडिया की बात करता हूँ, लेट्स से हाइपोथेटिकल ओके, इंडिया में लेट्स से डोमिनोज का जो मार्केटिंग हेड है ही इज लाइक भाई साहब सुपर बीजेपी हिंदू भक्त. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट लेट्स से ही इज लाइक अ सुपर हिंदू भक्त लाइक, ठीक है. सो वो उसे एक पोस्ट रिपब्लिक डे या फिर लेट्स से कोई एक्स्ट्रा दिवाली होती है कुछ भी उस टाइप पे डाल दे, राइट, देयर इज अ गुड चांस कि हाँ अदर ब्रांड्स आल्सो की लाइक फॉलो हिम, तो लाइक हाँ भाई साहब इतने बड़े ब्रांड ने डाल दिया एंड ट्रेंडिंग हो गया तो हो गया. सो यू हैव टू सी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक बंदे की वजह से डालो, एक बंदे की वजह से इनिशिएट हुआ हो एंड देन इट लाइक एक बंदे से स्पार्क हुआ हो एंड देन बाकी ने फॉलो करके आग लगा दी. बट ऑब्वियसली इट इज लाइक अ डम थिंग फॉर अ ब्रांड टू से सच थिंग, स्पेशली व्हेन दे आर लाइक एमएनसी, लाइक दे हैव अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज अ वेरी डम थिंग टू डू एंड इट नीड्स टू बी मॉनिटर कि क्या डाल रहे हो तुम लाइक बाय नॉट जस्ट वन पर्सन. हाँ इट कैन बी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तीन चार बंदे ही टीम में है, लेट्स से मार्केटिंग टीम है पूरी पूरी की पूरी ही इन्फ्लुएंसर भक्त है, लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ पेट्रियटिज्म है उनमें कुछ भी है, दैट कंप्लीटली अगेंस्ट के भाई साहब इंडिया कंप्लीटली अगेंस्ट अगेंस्ट एक्स वाई जेड. सो मे बी उसकी तरफ से फायर हो गया. और यू कैन इवन गो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इंडिया में भी तो मुस्लिम्स अगेंस्ट था बोला जा रहा है रिसेंटली, तो उसकी वजह से वो थोड़े ज्यादा उस लेवल में हो गए यार क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, देर थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने उस तरफ से इनिशिएट कर दिया, किसी एक बंदे ने इनिशिएट कर दिया. ट्विटर तो एक ही बंदा हैंडल करता है, इट इजंट बीइंग मॉनिटर्ड बाय कोई भी, अच्छा 10 मार्केटिंग बंदे हैं तो उनमें से एक किसी ने भी डाल दिया उठा के, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस डाल दिया हो. सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हुआ क्या. सो मेरा यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइक आई विल शेयर सम ऑफ माय काउंटर पॉइंट. सो आई डोंट थिंक ये 1% वाला काम है, ये हो ही नहीं सकता कि ना तुम्हें अपनी जॉब की परवाह नहीं है, तुमने डिसाइड करा कि चलो यार आज डालते हैं करते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी हाई रिस्क थिंग दैट यू आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी की अगर तुम एक एजेंसी लेवल पे बात कर रहे हो कि मे बी कोई तुम्हारी कोई सोशल मीडिया की एजेंसी है, दैट्स टॉकिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आई डोंट नो कि तुम इस चीज को तुम कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट करते हो, लाइक तुम्हारी आइडियोलॉजीज क्या है. जहां तक मुझे समझ में आ रहा है लाइक इट्स सम लाइक रेडिकलाइज्ड थॉट प्रोसेस था जिसके पीछे तुमने ये करा, यू वांटेड टू पोलराइज द होल ऑडियंस एंड वाज लाइक कंप्लीटली एंटा इंडिया पर्सनालिटी थी, जिसने ये सोचा कि चलो इस बारे में ना करके ना वी डोंट वांट टू स्पार्क अ डिबेट एंड वी वांट टू गेट अ लॉट ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन. तो जहां तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉलो करते हैं फिलोसफी को दैट यू नो नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, सो बैड पब्लिसिटी भी अगर हो रही है ना तो हमारी पब्लिसिटी हो रही है, चलो वो करते हैं. लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इंडिया इज अ वेरी सेंटिमेंट ड्रिवन नेशन जहां पे देयर इज अ होल लॉट ऑफ हाई ट्रस्ट, और जो इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर्स का इंडियन सिविलियंस का, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से ये तुम्हें ट्रस्ट वापस मिल जाएगा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी दैट यू हैव डन. या तो तुम ये बोलो कि ना इंडिया की मार्केट से हम हो गया, हमने जो है ना बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को खिला लिया, हमने बहुत पैसा बना लिया, इंडिया की मार्केट वी आर डन, हमें अब पाकिस्तान पे फोकस करना है, तो तुम बोल दो ठीक है. या सीधे हाँ ऐसा ऐसा मे बी इनके दिमाग में कुछ आया होगा, लेट्स से कि लाइक टू गेट द पाकिस्तानी पीपल ऑन अ सपोर्ट, लेट्स से ऑन लेट्स गेट देम हाइप्ड अप के हाँ भाई साहब यही हमारा एमएनसी है माना, बट दे आर द बेस्ट ब्रांड्स. एग्जांपल जैसे होंडा, मुझे पता नहीं है पाकिस्तान कौन सा ब्रांड है, लेट्स से नहीं हाँ मैम से वो तो अच्छा. हाँ ये तो समझ गया हमें, मैं लगा अच्छा. रहा हूँ से होंडा है वहाँ पर, लेट्स से माजदा है, लेट्स से फिएट है, और ब्रांड्स होंगे कुछ वहाँ पे, दे लाइक ये अब आई हैव टू लाइक कम्प्लीटली कैप्चर द मार्केट, कार मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केटिंग ओवर हियर. सो दे आर लाइक लेट्स गो अहेड एंड लाइक हम डालते हैं एंड सी हाउ इट वर्क्स. मे बी हाँ उनको लगेगा हाँ यही हमारा देश का ब्रांड है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के लोग, सो पीपल विल स्टार्ट लाइक बाइंग आवर कार्स इंस्टेड. सो मे बी उनका ये लॉजिक हो इंस्टेड ऑफ लाइक थिंकिंग लाइक हाँ मतलब वो ना ऐसा अपनी कंट्री लेवल पे सोचा, नॉट लाइक अ ग्लोबल लेवल पे कि हाँ किया की कार्स पे बाकी मार्केट्स में क्या इफेक्ट आएगा. जबकि आई वुड से लाइक पाकिस्तान का वुड बी नॉट इवन लाइक पाकिस्तान किया एंड हुंडई की कार्स वोंट बी लाइक 10% ऑफ द ओवरऑल इंडियन लाइक किया और हुंडई की शेयर. 10% इज आल्सो लाइक अ वेरी बिग नंबर आई एम सेइंग, इट वुड बी इन सिंगल डिजिट फॉर श्योर. सो या वन थिंग आई विल से, सो अगर जिस बंदे ने ये डाला है और तुम ये वीडियो देखते हो समहाउ तुम्हारे समहाउ फीड में आ गई, तो मैं ये बोलूंगा पहली बात ना पाकिस्तान इज अमंग्स द टॉप is in the lowest three of the poorest nations in the world. So, India jaisi growing economy ke comparison mein tum agar Pakistan ko promote kar rahe ho aur tum bolo ki hamara brand Pakistan mein chalega, nothing against Pakistan but it's a very poor economy. India mein na bahut zyada tumhe scope tha jo tumne kho diya right now because jo trust tumne khoya hai, all these apologies is type of habhi humne kya dekha, you know Domino's is apologizing, Domino's India, Kia ka jo
इंडिया का अकाउंट है, द अकाउंट ट्विटर हैंडल, दे आर अपोलोजाइजिंग कि नहीं नहीं हम ये कर रहे हैं, लेकिन तुमने तुम्हारी टीम से ही हुआ ना, तुम्हारे एंड पे ही हुआ, ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने करा कि एक जो है ना एक बंदे ने शोरूम से उठा, उसने बोला चलो मेरे पास इस चीज का अकाउंट है, चलो कुछ वायरलिटी करते हैं, आग लगाते हैं। हाँ, exactly, doesn't work like that. हाँ, तुम्हारे अपने साइलोस बने हुए हैं कंट्रीज में कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, अदर अदर देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज दैट दे फॉलो, बट इट्स नॉट लाइक कि जो है तुम इतनी मैसिव चीज लाइक एक कंट्री को पूरा तुम ऐसे बोलो और तुम डिसाइड करो कि वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तुम्हें नहीं पता कश्मीर में इंटरनली क्या चल रहा है, तुम्हें नहीं पता इंडिया में इंटरनली क्या चल रहा है, तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तुम्हारी एक आइडियोलॉजी है जिसको तुम फॉलो करते हो और तुमने उसके बेसिस पे चलो 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 हो गया ट्वीट डाल दिया, हम लोग जो है ना अब इंडिया को प्रमोट करेंगे, फ्री कश्मीर, सॉलिडारिटी विद आर कश्मीरी भाई बहन, तो दिस इज जस्ट प्लेन स्टूपिड, सो स्टूपिड। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उन्होंने अपने कंट्री लेवल पे सोच ही डाला। हाँ, बट हाँ, लेट्स से एक कंट्री हेड है तो वुड ही इवन केयर के लाइक भाई साहब इंडिया मार्केट को क्या इफेक्ट होता है, वुड ही इवन केयर के लेट्स से मेरी कंट्री में तो उस गाड़ी की शेयर बढ़ रही है ना, सो आई डोंट गिव अ शिट के लाइक इंडिया में क्या होता है, इंडिया बाहर में जाए अगर किया मेरी कंट्री में गाड़ियां बढ़ रही है, किया की गाड़ियां हुंडई की गाड़ियां मेरी कंट्री में ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी, आई डोंट गिव अ फक के लाइक भाई साहब इंडिया में शेयर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली हाँ मेरी जॉब पे नुकसान हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ऑब्वियसली, बट इनिशियली आई वुड बी लाइक यार मुझे अपनी कंट्री में कुछ भी करके सेल इंक्रीज करनी है। अब लेट्स से 6 मंथ डाउन द लाइन वुड यू प्रेफर के लाइक यार भाई साहब आज मैं काम करता हूँ, आज से मैं टाटा की गाड़ियां ही लूंगा, आई वोंट गो फॉर हुंडई क्रेटा लाइक सेल्टोस वगैरह नहीं लूंगा, दे आर लाइक शिट कार, जस्ट बिकॉज हाँ ऐसा वुड यू बी दैट पर्सन के लाइक दैट इन्फ्लुएंस्ड, लाइक आई ऑब्वियसली आई लव टाटा कार, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो टाटा की गाड़ी पसंद है, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बट मैं कह रहा हूं लेट्स से यू आर लाइक अ किया, लेट्स से यू आर किया सेल्टोस ओनर, क्या कल तुम जाके अपनी गाड़ी बेचोगे? That's my question. The ones who are like really patriotic in nature might consider doing that, as we saw in some other tweets. Like, give me like percentage कितने होंगे हिसाब से? पहली बात तो 20 लाख की गाड़ी approximately किया सेल्टोस टॉप मॉडल 15 20 लाख 15 से 20 हाँ तो लेट्स से 20 ना ग्राउंड फिगर, सो 20 लाख की गाड़ी है तो क्या तुम उसे कल जला दोगे? लेट्स से अभी गाड़ी पे लोन चल रहा है, अभी गाड़ी पे लोन चला है, इसलिए हाथ जस्ट हाफ पेड 10 लाख रुपए पड़ा है, अब क्या करोगे तुम? We don't know, man. Like again, like car is a very, very high ticket size product. जिसको जो है तुम इतनी आसानी से नहीं कर सकते. But you can still boycott, decide. कि Domino's, you can boycott. You can decide KFC that you can boycott. Because these are still low ticket products जिनकी जो है ना high utility नहीं है. और Indian brands काफी आ गए हैं market में जिसको जो है ना तुम prefer कर सकते हो first of all. 100% इसमें कोई doubt नहीं. They are obviously there are substitute brands available in the market. Yeah. But at the same time, you cannot be like मैं इस इंडस्ट्री के लीडर को फैक्ट हटा दूंगा, डोमिनोज को हटाना है इज लाइक नॉट लाइक मजाक बिल्कुल ही कि पिज्जा यू लाइक यू लाइक पिज्जा कहाँ से खाना है, दिमाग में कहते हैं डोमिनोज आता है, लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, पिज्जा भी बाद में आता है, डोमिनोज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, सो इतनी ईजी नहीं है उनको मार्केट हटाना, नहीं यहाँ पे हटाने का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे हटाने का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है कि ना देयर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट हैज हैपेंड और इमोशनल टर्मोइल दैट हैज बीन क्रिएटेड based on which view you know we are going to decide that you know we are not going to boycott it kyunki tum brand ko nahi hata sakte, brand bana hua hai bilkul, ek corporation hai, massive karodo kamane wali corporation hai, but you can say ki na we are not going to use their products any more, jitni ab tum awareness create kar sakte ho uske basis pe, chalo I would say like abhi aaj date kya hai, aaj is 13th hai na, February. I would promise you ghanta farak nahi padega sales mein like next 6 months, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा यूएल से, जिसको जो ज्यादा भयंकर है ना वो तो पहले बार तो खाते नहीं भारत, दूसरा एकदम भयंकर हिंदू भक्त दूसरा पीपल, ठीक है, अनलेस और आर्मी वगैरह के लोग होते हैं दे आर लाइक सुपर फिट एनीवे, वो तो वैसे भी कम खाते हैं 100%, दे वोंट बी लाइक चलो दिल भी चेहरा कंपनी ने अपोलोजाइज तो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे ना एक सवाल फिर उठता है इस तरह से कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रांड्स इन द फ्यूचर, what are they, you know, what kind of policy there should be, kyunki strict censorship is type ki honi chahiye ki theek hai tum meme marketing kar rahe ho, you are you know talking about the latest upcoming topics in the news jo trend kar raha hai,
वो समझ में आता है, ठीक है, बट यू कैनॉट गेट इन्वॉल्व इन एन अफेयर दैट इज यू नो सो पर्सनल टू अ ह्यूमन बींग, जो उनके सिविलियन, उनकी मोरालिटी, उनकी पेट्रियटिज्म पे जो है इफेक्ट करता है. सो देर नीड्स टू बी सम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दैट नीड टू बी यू नो सेट इन प्लेस, की डिसाइड करे कि तुम इस पे बात नहीं करोगे, तुम इस पे पब्लिश नहीं कर सकते. policies in the company के भाई से religion के बारे में हमने नहीं बोलना, no racist comments, for sure. I think these are the basic things that are being said. They are like not even taught, के बोलना भी नहीं पड़ता. These are like obvious things, इस बारे में बात नहीं कर सकते. So I think this is like, I think I hope we won't see anything like such kind of things from either of the sides. Yeah. Like not, I'm not saying just Pakistan, I would say like from India as well, कि like हाँ हम ऐसे type की बातें नहीं करते, especially like against any religion, against any country वगैरह, it is dumb thing to do. तो if you want to keep it funny, funny बोल होने के और भी बहुत तरीके होते हैं instead of being offensive. Yeah. So be funny in other ways, offensive, being offensive. If you want to be offensive, just do it from your personal account rather than that. Yeah. If you're a company का तुम managing director हो India, let's say company country head हो, you would have like a decent following on LinkedIn, you would have a decent following on Twitter as well. So use yeah. that, use your like personalized, like personal opinion, like whatever that polar opinion you want to have. Don't use a company's face as like a bad thing to do it. Yeah, so you know you have influence. You know, use your influence diligently. If you are using it for your personal gain, yeah, फिर तुम्हारे personal opinions जो ना contradict कर रहे हैं with you know what a lot of people think. Keep it to yourself, क्योंकि opinion जो है ना तुम entitled हो, तुम्हारे पास हो सकते हैं opinion, ऐसा opinions होना गलत नहीं है, but तुम्हारे opinions अगर तुम किसी और के ऊपर थोपते हो या तुम उसे जो है ना बाहर जाके publicly market करते हो, then it becomes a problem. See, yeah, I think like portraying your opinion, like keeping like letting your opinions out in front of people is also fine, but using a face of a, like a bigger thing that you are not like kind of facade thing, like you are like not using your opinion, you are like using a company's opinion, like it's like पूरी एमएनसी का ओपिनियन तुमने रख दिया वहां पे उठा के ट्विटर पे, दैट्स अ बैड थिंग 100%. अगर लेट्स से कोई अभी रशिया में से रशिया केएफसी कमेंट कर देता ऑन यूएसए, सो इस बात का मे बी ज्यादा बतंगड़ बनता, या फिर बिल्कुल भी ना बनता, या फिर बहुत ज्यादा बतंगड़ बन जाता. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया इज लाइक ज्यादा लाइक अ वेरी सॉफ्ट नेशन. इंडिया में लोग थोड़े ज्यादा इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, बट ओवरऑल सीइंग अ कंट्री, इंडिया इज अ वेरी सॉफ्ट नेशन. इंडिया को एग्जांपल लेते हैं, कुछ इंडिया के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल भी देता है तो दे लाइक जाने दो, छोड़ जाए, छोड़ दो, बस थोड़े से वो हिंदू थोड़े से जो ज्यादा ही भक्त वाले होते हैं एक दो दिन शोर में आते हैं. हाँ, तुम मतलब यार देखो, इमोशनली वी आर इमोशनली ड्रिवन, मतलब दिल से सोचते हैं हमारी, मतलब पूरी की पूरी अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए हमारी, हम लोग हमेशा वी हैव बीन वेलकमिंग टू आर ऑल दीस थिंग्स, जो इन्वेडर्स आए हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जितने भी लोग आए, वी आर वेरी वेलकमिंग पीपल, कि ना तुम बाउंड्रीज अगर क्रॉस ना करो, वी आर वेरी नाइस एंड ऑल दिस थिंग. बट यहाँ पे वही वाली बात आती है कि इफ यू स्टार्ट टू एक्चुअली यू नो, तुम अपने बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, तुम डिसाइड करते हो कि ना नहीं नहीं भाई ये देखी जाएगी, चलो ऐसी साइड करो इन्हें, देन इट बिकम्स अ मैसिव प्रॉब्लम. कि जो है तुम जो है ना तुम किसी की पर्सनल, तुम्हारी पर्सनल आइडियोलॉजीज किसी और की आइडियोलॉजीज पे इन्फ्रिंज कर रही है, दैट इज वो इस बात का हो गई है. बट इसमें एक चीज हमें ये भी सोचनी है, क्या उनका ट्वीट कुछ ऐसा था कि भाई साहब इंडिया के बारे में आप उल्टा सीधा कुछ, कुछ कश्मीर इज ऑब्वियस. अच्छा मैं ट्वीट देखा तो जस्ट सेंड मी क्या ट्वीट था एग्जैक्टली, बट सी एग्जांपल ऐसे कश्मीर है तो कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू आईओके एज वेल एज पीओके, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, अक्साई चीन भी है, दैट्स लाइक चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है. सो इंडिया के मैप पे When you see India का मैप जो अभी भी स्कूल में दिखता है, एटलसेस में दिखता है, वो पीओके भी उसमें बना होता है. Yeah. उसमें पाकिस्तान वाला चीन कश्मीर ही बना होता है, जबकि वो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, यू आर नॉट, आई डोंट थिंक वापस आएगा वो. हाँ, so you see, कश्मीर is first of all is a very sensitive agenda. हमें ये समझना चाहिए कि ना it's a sensitive agenda. पूरे political campaigns होते हैं इस चीज पे, so many political leaders have spoken about it. एंड एज अ ब्रांड जिसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तुम उस चीज पे जो है ना अपना ओपिनियन झाड़ रहे हो, या फिर तुम अपना ओपिनियन जो है ना किसी के मुंह पे दबा रहे हो यूजिंग द फेस ऑफ द ब्रांड, कि तुम बोलो कि फ्री कश्मीर, किस बात पे फ्री कश्मीर, क्या कर रहे हैं हम लोगों ने मार दिया क्या, इवन दो वी माइट नॉट बी फुली अवेयर कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे न्यूज एक्सेस थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कम है, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आई हैव स्पोकन टू यू नो पीपल हु आर फ्रॉम कश्मीर, दे आर रियली नाइस पोलाइट पीपल,
you know, they are not like 100%, 100%, no doubt. All these things, like, these don't happen normally. So, what she says, those perspective se dekho. See, अगर ये कमेंट किसी पॉलिटिशियन ने दिया होता, I would be totally fine with it. कि पॉलिटिशियन को भी काम है बोलना. इधर अमित शाह भी इस टाइप की बातें बोलता है कि चाइना वो हम वापस लेंगे. एक्स वाई जेड बोलते हैं, पॉलिटिशियन से काम है बोलना. उधर के भी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, दे वुड से दैट, दे यूजुअली वो बोलते रहे होंगे, दे विल से इट, दे आर सेइंग इट, एंड हमेशा बोलते भी रहेंगे. इसमें कोई डाउट नहीं है. इंडिया में भी चलता रहेगा. दिस इज लाइक पार्ट ऑफ लाइक पॉलिटिक्स. बट एज अ ब्रांड यू विल हैव टू बी अ लॉट केयरफुल कि तुम क्या बोल रहे हो. तुम्हारा जस्ट अगर लेट्स से पाकिस्तान का कोई कंपनी होती है, जैसे टाटा मोटर्स इंडिया में है, जैसे पाकिस्तान की कोई कंपनी होगी जो पाकिस्तान में वो बोलती है यहाँ पे, देन आई वुड टोटली एक्सेप्ट इट कि हाँ बोल सकते हो तुम. क्योंकि तुम्हारी मार्केट ही नहीं है वो इंडिया. हाँ, तुम्हारी इंडिया से मतलब नहीं है. तुम्हें किसी, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन एल्स, और ना ही कुछ कर सकते हो. इंडिया वाले लोग घंटा को सुखाड़ नहीं सकते हमारे, लाइक हमारे सॉफ्ट क्रैश नहीं कर सकते हमारे. हाँ, हमारी घंटा नहीं फर्क पड़ेगा. हमारे सेल्स में इफेक्ट, ओवरऑल ग्लोबल सेल्स में फर्क नहीं पड़ेगा. ना ही हमारा इंडिया में एक्सपोर्ट होता है कुछ. घमे घट मतलब नहीं, हम तो बोलेंगे कर लो जो करना है. ग्लोबल कंपनी, यू हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड एंड फिल्टर आउट कि हाँ मैं इन टॉपिक से बात नहीं कर सकता. मैं इन टॉपिक से बात करना इज लाइक मॉरली इनकरेक्ट, और इन टॉपिक्स पे कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है. 100% जिस कंपनी टू ले इट आउट कि हाँ, I think इसके बाद से आफ्टर लेट्स से 10 बंदे फायर कर दे कंपनी, लेट्स पूरी मार्केटिंग उठा के ही एजेंसी को उठा, एजेंसी है जो भी है, टीम है, पूरी मार्केटिंग टीम को नया कर उठा के ले आए, तो दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ भाई साहब, अब वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वेरी केयरफुल कि व्हाट वी आर लाइक लीविंग आउट इन द लाइक ऑन सोशल मीडिया इटसेल्फ, लाइक वर्ल्ड के सामने रख रहे हैं, हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल एनीवे. 100% yeah, I agree. So on closing thoughts, it's like just for इसमें just पाकिस्तान का नहीं है. I would say अगर चाइना की तो बात छोड़ देते हैं, चाइना अगर चाइना कुछ let's say डालता है ऐसा, क्या तुम चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट कितना करोगे तुम? Everything is made in China. हाँ, तो you have to understand that as well. But at this, just because of पाकिस्तान है, just इसलिए हम offend हो रहे हैं. और I think India की side से भी ऐसा कुछ नहीं डालना चाहिए. As a nation, as a like MNC, as a brand of a nation, नहीं. If you have like a particular अपनी ओपिनियन डालो यार, जो कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया में किसी का फेस नहीं, मतलब किसी के फेस पे लेके तुम इंडिया में नहीं डाल सकते. ब्रांड हो, हां इंडिया में भी नहीं. अरे यार, आई डोंट थिंक कि कोई करता भी है इंडिया में. आई थिंक पीपल आर इतना सेंसिबल एंड सेंसिटिव इनफ दैट दे अंडरस्टैंड कि ना किसी और के ऊपर तो अपना आइडियोलॉजीज नहीं थोप सकते. हां, समझदार तो है. अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने पता नहीं क्या खा पी के किया था, या पता नहीं क्या दारू पे पी के नाइट आउट में टल्ली थे जब इन्होंने ये ट्वीट करा, क्या सोच के करा, वी हैव नो क्लू. क्योंकि वहां की स्टोरी हमें पता नहीं है. वही तो कह रहा हूँ एक्जैक्टली. ये सिर्फ सोशल मीडिया पर एक ट्वीट था, मे बी पूरी उनकी, मे बी उनको मिनिस्टर्स ने बोला हो कि आपको इस कंट्री में रहना है तो इस टाइप की ट्वीट डालो. हाउ वुड यू नो ऐसा कुछ हुआ हो? तो के बोल रहे हो इधर कि इंडिया के हम एज अ पॉलिटिशियन ऐसा लाइक फेस ऑफ माई कंट्री, इमरान खान कह दे यार मैं एज अ फेस ऑफ अ कंट्री नहीं बोल सकता, बट एज अ ब्रांड यू हैव टू यूनाइट टू जस्ट किया हुंडई ने थोड़ा ना किया इज ऑल्सो ओन बाय हुंडई. डोमिनोज ने भी किया है, एक्स वाई जेड और कंपनी ने भी किया होगा. दैट इज दैट हैव नॉट लाइक कम अप इनटू लाइमलाइट, बट जो ने देखा कि इंडिया में जो एस्टैब्लिश कंपनी है यू विल सी उन्होंने ही किया है. इंडिया के हैंडल पे हुआ ही नहीं, इंडिया के हैंडल पे नहीं हुआ ही, उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है, पाकिस्तान वाले जो उनके ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल. हां, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंट्री लीडर्स ने बोला यार टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड ब्रांड्स आर लाइक वी आर लाइक ऑब्लाइज के भाई साहब अगर इस कंट्री में धंधा करना है. या फिर इमरान खान ने बोला एग्जांपल के आप यू गेट 10% टैक्स बेनिफिट्स ऑन देयर ओवरऑल, आप 10 आप इस साल के टैक्स 10% कम कर देंगे जितना भी टैक्स है. या जस्ट मेक अ ट्वीट आफ्टर पॉसिबल आफ्टर अ वीक डिलीट दैट ट्वीट. हम कंट्रोवर्सी को डिलीट कर देना ट्वीट, कोई दिक्कत नहीं है. सो उस लेवल पे भी सोचा जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है. लाइक नॉट जस्ट ब्रांड, इट्स लाइक कंट्री लीडर ने उनको बोला हो करना पड़ेगा. राइट राइट. So on closing thoughts, you know, what are the things that, you know, the brands need to be aware of, kina kis cheez ko kare, what actions do the government of India also need to take in place that, you know, brands should not do, and as civilians, what would be our responsibility on closing thoughts? So ek baar dekhte hain isko. What would you suggest? See, for the brands, I think not being involved in such sensitive issues is super crucial. Like example, let's say, I won't say like Muslims, हिंदू वाले टॉपिक तो बिल्कुल ही दूर रहा उनसे, एज वेल एज
as well as any sort of like any religion, like country ho, religions ho gaye, country debates ho gayi, like Ukraine Russia wala issue ho gaya, India khud hi involved nahi ho raha usme, hamara as a brand kya farak kyun aana hai tumhe beech mein, they are like badi badi, I mean like proper superpower countries hai dono, they both have nuclear weapons I think. Ukraine के पास भी हैं, बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सो हमें बीच में इन्वॉल्व क्यों होना, बोथ कैन हैंडल देमसेल्फ, तो उस टाइप पे सोचा जाए, तो ब्रांड्स नीड टू बी अवेयर कि हाँ, दीज आर पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनसे हम नहीं छेड़ना चाहेंगे इन एनी गिवन फ्यूचर, क्लियरली इनको लाइक स्टेट करना चाहिए हाँ दीज आर लाइक प्रॉपर लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना हमें, थोड़ा मीम मूवी से मीम बनाओ, ये किसी पे छोटा है मोटा है उस पर अवॉइड करो, पुष्पा है लंगड़ा है उस पर मीम बना चलेगा, बट ऑब्वियसली दैट्स लाइक यू कैन से लाइक हो भाई साहब वो तो लाइक डिसेबिलिटी है उस पर क्यों नहीं बोलना, दैट्स फाइन, बट ठीक है वो पोर्ट्रे कर रखा है उसने तो हम उस पर कौन से नहीं कह रहे, वो नहीं होना चाहिए उसके स्टाइल पे हम मीम बना दे, इट्स फाइन, अगर हम एसीबी प्रद्युमन पे मीम बनाते इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सो यूज दोस कैन, जेठालाल पे मजाक बनता है इतना ज्यादा, जेठालाल बबीता जी एक्सेक्टर से तारक मेहता, इट्स फाइन मीम बनाओ तुम, बट स्टे अवे फ्रॉम सेंसिटिव टॉपिक्स दैट कैन स्पेशली लाइक एज अ लाइक जब तुम ग्लोबल इमेज हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट, 100% ठीक है, एंड एज व्हाट अबाउट यू लाइक हां व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, हां मतलब यार देखो एक उदाहरण तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लिया जिसको तुम्हें मार्केट करना है, ओके दैट्स रीजनेबल, बट तुम क्या उससे किसी की सेंटिमेंट्स को जो है ब्रोच कर रहे हो, किसी को जो है दुख हो रहा है ये देख के, यू शुड नॉट डू, अगर तुम चीज कर ही इसलिए रहे हो ताकि यू नो द इंटरनेट गेट्स पोलराइज्ड कि गो कश्मीर गो पाकिस्तान गो इंडिया इस टाइप की चीज हो रही है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है, तुम एक स्मार्ट सेंसिबल ह्यूमन बीइंग को जो इस चैनल को देख रहा है जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम एक रीजनेबल बंदे हो, ठीक है, तो अपने इमोशंस को समझो, और ब्रांड्स के लिए भी इफ यू आर अ मार्केटर थिंक अबाउट यू नो व्हाट योर एक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट अपॉन, इस तरह से सी यू आर रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइक नॉट जस्ट लाइक पूरी एक बड़ी इन्वेस्टर्स को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो बी केयरफुल के क्या कर रहे हो तुम, like you have like a lot of say in the market, so be careful with it. Yeah, totally agree. Any suggestions but for you know, government? एक चीज और ऐड करूँगा, like obviously things we can like they can say in a euphemism way, जैसे बात कर रहा था मैं पहले. Yeah. So देख example ऐसे India Pakistan का match है, so instead of saying Pakistan हारेगा, Pakistan हराएंगे, Pakistan को हराएंगे, you can say India को जीतना चाहिए, most level में बोला जाए, तो like such things does impact कि हाँ we are not against Pakistan, we are like प्रो इंडिया, या तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है ऊपर उठने के लिए, तुम्हारे तो दैट काइंड थिंग कैन बी डन, आई थिंक दैट शुड दैट्स हाउ इट शुड बी, कि हम अगेंस्ट नहीं है, वी आर लाइक सपोर्टिव टू आवर ब्रांड्स, 100% या आई एग्री, सो एनी सजेशन फॉर यू नो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज दैट कैन बी टेकन एंड फॉर द सिटीजंस ऑफ बोथ दीस कंट्रीज दैट यू नो दे इफ दे आर लाइक ऑफेंडेड और यू नो एक्साइटेड बाय दिस कंट्रोवर्सी, एनी थॉट्स दैट यू हैव ऑन दैट, आई थिंक नॉट टू बी गेट टू इन्फ्लुएंस्ड एंड हैव लाइक अ लॉट ऑफ इमोशंस राइट नाउ, स्पेशली व्हेन इवन आफ्टर लाइक अ कंप्लीट देयर इज लाइक अ ऑफिशियल अपोलॉजी फ्रॉम द ब्रांड ग्लोबली, you shouldn't be like very offended by it because unne maafi mang li to it's like chalo theek hai kaun sa har roz kar rahe hain waise harkatein, it was a first time thing and just let it go instead of like domino jalane se, domino mat jalana isme kisi ka fayda nahi hai and wo tumhare indian lo, indians ka hi paisa hai jo tum kharab karne ja rahe ho, the standard money ko domino's ki franchise comes for like 1 crore ke aas pass ki franchise hoti hai just plus the complete interior etc etc pura setup cost alag hota hai usme, so just understand ki tum kisi indian ka hi paisa waisa kharab karoge, इवन कि तुम किया हुंडई की कार डीलरशिप जलाने बैठ गए एंड अपनी गाड़ी चलाओगे तुम्हारा अपना नुकसान है, सर डोंट एक्ट इन अ डम वे, अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट बी एक्सेप्टेबल कि हाँ भाई साहब वो लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, इट्स ओके उन्होंने डाला एंड नाउ दे आर अपोलोजाइजिंग फॉर इट, जस्ट एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत नहीं है, या सो विद दैट सेड यू नो आई थिंक अभी हमने काफी देर बात कर ली है, आई थिंक इट्स टाइम टू यू नो स्टॉप द रिकॉर्डिंग भैया, चलो बाद में मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय।
see you next week for sure. Come back here. Okay. Bye bye. Take care.